जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ के लिए और नीट के एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। वीडियो आपको पूरा देखना है, क्वेश्चन हमें समझ कर करना है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, एफ जी और एफ ई क्रमशः गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बल है, यानी एफ जी तो गुरुत्वीय बल है और एफ ई स्थिर विद्युत बल है, और ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य दर्शाता है, मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य बल ये लग रहे हैं, दूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो एफ जी अपॉन एफ ई का अनुपात हमें निकालना होगा। अगर ऑप्शन वाइज आते हैं तब ज्यादा क्वेश्चन इजी रहेगा पूरा सॉल्व करने के बजाय, अगर ट्वेल्थ लेवल का है तब हमें पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ऑप्शन वाइज हम इसको कर सकते हैं। एफ जी जो होता है वो होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ ई का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ले लेते हैं समीकरण एक, इसको ले लेते हैं समीकरण दो। अब हमें करना है एफ जी अपॉन एफ ई, तो एफ जी अपॉन एफ ई हम कर लेते हैं, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में हम रख देते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए दूरी यहां पर दोनों के लिए 10 सेंटीमीटर रहेगी, तो दूरी से तो दूरी हो जाएगी कैंसिल आउट। अब हमें केवल मान रखना है, तो g का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। m1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो m1 m2 हम स्क्वायर करके रख सकते हैं या फिर अलग अलग रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, और गुणा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, ठीक है। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। Q1 आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है, और साथ में ही हम रख लेते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये हो जाएगा। अब देखिए ज्यादा हम सोल्व करेंगे नहीं, केवल 10 की पावर के हम सोल्व करेंगे, तो माइनस 11 माइनस 31 और माइनस 31 ये सारी जोड़कर कितनी हो जाएगी, 31 62 हो जाएंगे, 62 में एक जोड़ेंगे 63, और ये हो जाएंगे 10 टू दी पावर माइनस 83 अपॉन में हम देखते हैं तो माइनस 19 38 हो जाएंगे, 38 में यहाँ पर ये प्लस की है तो 38 में से हम 8 जाएंगे तो 30, तो ये बच जाएगा 10 की पावर 29, ठीक है। ये बचेगा किसका, माइनस का क्योंकि माइनस का 19 और माइनस का 19 माइनस का 38 बन गया। अब माइनस का 29 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -83 प्लस 29। अब इतना भी हमें करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो ज्यादा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस में सबसे ज्यादा कौन सा, 10 की पावर -43, तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही होगा, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन में जाना नहीं है, ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पे वीडियोस डेली अपलोड होते रहेंगे, आप उनको देखिएगा। जय हिंद।